जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। प्रिय दोस्तों, यह भादो माह का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो ऐसे में जितना भी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी जाए, पढ़ी जाए, उतना ही पुण्य फलदायी होती है। तो चलिए आज हम श्रवण करेंगे भादो मास में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हम राधा रानी के कथा का भी श्रवण करेंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही समस्त देवता गंधर्व प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं। इस कथा को सुनने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की यह पुण्य फलदायी कथा। ओम गणपते नमः। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न आए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम से हो सकेगा और यह सेवा टूटेगा नहीं। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, उन्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगाना है। इसके बाद वे प्रस्थान कर दिए, कथा वाचन के लिए चले गए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन दास के मन में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में छवि थी। वे सोच रहे थे कि भगवान आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्णा, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना कि जो बच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन के इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धर लिया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर में आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद, सारा भोजन खा लिया, मैं आपको प्रसाद कहाँ से दूँ। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, वे बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू उनके मुंह में था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। प्रिय भक्तगणों, इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। हालांकि धर्म में दोनों अलग थीं, लेकिन विचार से एक थीं।
उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। वे दोनों पूजा पाठ और सभी मनोकामनाओं से मुक्त हो गई थीं। तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थीं। कुछ समय बीतने के बाद भादो मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी, चूँकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। हे सखी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, अधिक दूर चलने में मेरे पाँव जवाब दे देते हैं। तब वह हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह करना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा करने जाओ, तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसी की वजह से उसके पांव टेढ़े हो गए हैं। प्रिय भक्तगणों, इसका प्रमुख कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें यानी कि लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों व आभूषण से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनजान थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए थे, यह उनका बाल स्वरूप है। वह बहुत ही परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि मैं अपने सखी से क्या कहूँगी, उसने इतने विश्वास के साथ मुझ पर यह जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंता करने लगी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय कर लिया कि दिन प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई कई बार ऐसा किया करती थी। लड्डू गोपाल को अपने पैरों पर बैठाकर तेल से भरपूर मालिश करती थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वो है ही इतने कृपालु दया निधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने अपनी उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं और यह देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृत्तांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाहित थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे, उसने सोचा कि शायद ये उनके लड्डू गोपाल नहीं है और उसने सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने
सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ती दौड़ती लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुम पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो थे ही ऐसे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उसके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिया। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय हो राधा रानी। बरसाना में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, तीन बेटे, तीन बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हूँ बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुझे बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसानी की बेटी श्री राधा रानी जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा रानी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे श्री राधे कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ जी से उनको उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, तीन बेटे बहू हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी जाकर मनिहारिन से चूड़ी पहनी। श्री राधा रानी जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएँ चूड़ियाँ पहन कर गईं, श्री राधा रानी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा रानी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा रानी बोली, मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ ना। मनिहारिन ने समझाया, इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा रानी जी को चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा रानी जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार जितने पैसे देने थे उतने दिए।
मनिहारिन बोली, सेठ जी, इस बार ज्यादा पैसा लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है जो कि चूड़ी पहन सके। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती सेठ जी, लेकिन मैंने तो चूड़ियाँ 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता लगा लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले कि मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई और है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहन सके। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहां उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर में देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्र भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा रानी जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा रानी जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बेटी हैं और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा रानी के मंदिर चले गए। उसी दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया और अपना शेष जीवन राधा रानी जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते बिताने लगे। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय हो राधा रानी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने पिता ही द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण वे जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट श्री राधा रानी जी से हुई। राधा रानी जी कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखते ही राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें मुस्कुराता देखा तो वो क्रोधवश राधा रानी जी को श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण जी ने अष्टावक्र को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि हे संत, आप श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान लें।
जब अष्टावक्र ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी जी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी जी ने कहा कि वे अष्टावक्र के अंतर मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही थीं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उनके ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही थी। राधा रानी की संपूर्ण बात सुनकर अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोरी अवस्था में रहने का वरदान दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को श्री किशोरी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार होता है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं पांचवी कथा। माता लक्ष्मी को जगत जननी कहा जाता है क्योंकि वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पत्नी है। सारा संसार माता लक्ष्मी से ही प्रेम और माया से चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को इस बात का घमंड हो गया कि संसार में हर कोई लक्ष्मी जी को ही पाना चाहता है। लक्ष्मी के बगैर किसी का काम नहीं चल सकता। माँ लक्ष्मी के इस अभिमान को श्री हरि ने भाप लिया। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि माता का ये अहंकार समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सच है कि देवी लक्ष्मी के बगैर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सारा संसार आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी देवी आप अपूर्ण हैं। नारायण की बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नारायण से पूछा कि वे अपूर्ण कैसे हैं। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्ण नहीं होती। ये जानकर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ और वे अपने मन की बात कहने अपनी सखी पार्वती के पास पहुँची। उन्होंने कहा कि निसंतान होना बेहद परेशान कर रहा है, इसीलिए हे पार्वती, क्या आप अपने दोनों पुत्रों में से एक को मुझे गोद दे सकती हैं। माता पार्वती ने उनका दुख दूर करने के लिए ये बात मान ली और श्री गणेश को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। इसके बाद से गणपति माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने कहा कि आज से जिस घर में लक्ष्मी के साथ उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजा होगी वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान होती है, दोनों की पूजा हमेशा साथ की जाती है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा, जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।